हेलो फ्रेंड्स, आज अपने इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन की मैनेजमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है उस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में 50 वर्ड्स में आ सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि इंडक्शन क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब हम फिजिक्स पढ़ते थे ना, तो फिजिक्स में एक चैप्टर होता था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। शायद आपने जो साइंस बैकग्राउंड के वो जानते भी होंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब कि इंडक्शन इफेक्ट से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करना, दिस इज इंडक्शन। और नॉर्मली भी आप इसको यहाँ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, कि मान लीजिए दो दोस्त हैं और दोनों स्मोकर हैं, अगर एक को स्मोकिंग की तलब लगती है ना, तो दूसरे को भी स्मोकिंग की तलब लग जाएगी। या दो दोस्त हैं वो कहीं जा रहे हैं, अगर किसी एक को टॉयलेट आ रहा है तो दूसरे को भी टॉयलेट आ जाएगा, ठीक है, दिस इज इंडक्शन। तो इस इंडक्शन को हमें मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में समझना है कि आखिर इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए दोस्तों, बेसिक्स ऑफ इक्विपमेंट सिलेक्शन हम समझ चुके हैं, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और इसकी बात करते हैं। दोस्तों देखिए, मेरे लेक्चर सुन के आपको ये तो एक्सपीरियंस हो चुका होगा ना, कि अगर मेरे लेक्चर्स को समझना है तो क्रिकेट और मूवीज का शौक आपको होना जरूरी है ना। तो इसको भी समझाने के लिए मैं क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ। देखिए, अभी इंडियन क्रिकेट टीम में ना राजस्थान का एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर सेलेक्ट हुआ है, खलील अहमद, जो हमारे टोंक जिले से बिलोंग करता है। ओके, देखिए, अब वो नया नया लड़का सेलेक्ट होकर के इंडियन क्रिकेट टीम में गया है। अब वो इंडियन क्रिकेट टीम की जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश जो प्लेयर्स हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं, जो एनवायरनमेंट है ड्रेसिंग रूम का, वो उससे अनफेमिलियर है, और जो ड्रेसिंग रूम है वो खलील अहमद से अनफेमिलियर है, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए अनजान है। अब देखिए, पहला सीनेरियो क्या हो सकता है कि खलील अहमद ड्रेसिंग रूम में जाता है और वहाँ से जाते पता लगता है कि भाई सीनियर प्लेयर जूनियर प्लेयर से सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, और वहीं जो कोच और कैप्टन है उन दोनों के बीच में आपस में तनातनी मची हुई है, कन्फ्लिक्ट है। कोच कुछ कहता है, कैप्टन कुछ कह रहा है, ठीक है। और ये भी सुनने में आता है कि अगर कोई प्लेयर किसी मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं करता ना, तो अगले मैच में उसको टीम में नहीं रखते, टीम से बाहर कर देते हैं। अब देखिए दूसरा सिनेरियो देखते हैं। दूसरा सिनेरियो में ये है कि खलील अहमद ड्रेसिंग रूम में गया, तो उसने देखा कि भाई सीनियर प्लेयर जूनियर प्लेयर आपस में बहुत ही हार्मोनल तरीके से रहते हैं, उनमें बहुत प्यार है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, सीनियर जूनियर का हौसला बढ़ाते हैं, उसको एंकरेज करते हैं, उसको कॉन्फिडेंस देते हैं, उसको बूस्ट करते हैं, वहीं जो कोच और कैप्टन है वो उसको एश्योर करते हैं कि आप जाएं अपना नेचुरल गेम खेलें, आप टीम से जल्दी बाहर नहीं हो पाएंगे। अब देखिए किस सिचुएशन में खलील अहमद मोटिवेट होगा, सेकेंड वाली सिचुएशन में ना, और फर्स्ट वाली सिचुएशन में क्या होगा, वो एंग्जियस हो जाएगा, शाय हो जाएगा, कॉन्शियस हो जाएगा, हो सकता है फ्रस्ट्रेट हो जाए। तो ऐसे ही दोस्तों, जब कोई एम्प्लॉय सेलेक्ट होकर के नई नई ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचता है, तो ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज दोनों एक दूसरे से अनजान होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के और जो ऑर्गेनाइजेशन और जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश जो सीनियर एम्प्लॉयज हैं, उनका फर्ज होता है कि नए एम्प्लॉयज को फॉर्मल या इनफॉर्मल मीन्स के थ्रू उसको ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज, एम्स, ऑब्जेक्टिव से उसको फैमिलियर करवाना, उसको इंट्रोड्यूस करवाना, जिससे कि वो अपनी 100% अपनी परफॉर्मेंस दे, वो मोटिवेट रहे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमिटेड रहे, लॉयल रहे, ठीक है, उसके दिमाग में कोई ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने का विचार नहीं आए। दोस्तों ऐसा हमारे साथ भी होता है, जब हम पहली बार अपने कॉलेज को ज्वाइन करते हैं तो नया नया कॉलेज होता है, कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है, हम कॉलेज अनजान, कॉलेज हमसे हमसे अनजान, तो बाद में हम फैमिलियर हो जाते हैं, सीनियर्स हमें हेल्प करते हैं, टीचर प्रोफेसर हमारे वो भी हमारे पहले तो हमसे स्ट्रिक्ट रहते हैं ना, बाद में वो भी हमारे फ्रेंड की तरह ही हो जाते हैं। तो बेसिकली जो इंडक्शन इफेक्ट है ना, ये जो न्यू एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में, उसका मोरल बूस्ट करने में, उसकी जो जितनी भी एंजाइटी है, शायनेस है, कॉन्शियसनेस है, फ्रस्ट्रेशन है, उसको दूर करने में हेल्प करता है। ऑब्वियसली अगर ऐसा होगा तो फिर वो एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमिटेड रहेगा, 100% अपनी परफॉर्मेंस देगा, इससे ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिविटी एफिशिएंसी में इंक्रीमेंट होता ही रहेगा। दिस इज इंडक्शन इफेक्ट। अब आप इसको कितना ही अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो, तो ये पूरा मैनेजमेंट पढ़ने के बाद आपको शब्दों से खेलना है, टेक्निकल वोकैबुलरी को पकड़िए, वन वर्ड्स को पकड़िए, आंसर लिखिए, ठीक है, वहाँ पे आ सको, अगर आप जितना रेलिवेंट आंसर ले सकते हैं, कोई एप्लीकेशन जो कोई एग्जांपल भी दे सकते हैं तो दीजिए, कोई वो नहीं है, ठीक है, इट्स ये सीधा एप्लीकेशन का गेम है, आप जो समझते हैं तो कितना अच्छा अप्लाई कर सकते हैं ना, ये वो गेम है दोस्तों, ये कॉलेज लेवल का एग्जाम नहीं है कि रटा रटा आंसर लिखा हमने, जहाँ समझ काम करती है, हमारी एनालिटिकल एबिलिटी काम करती है, तब जाके लगता है कि हम प्रिपरेशन के साथ जस्टिस कुछ कर पाए हैं। तो गाइज थैंक यू सो मच। एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, देखिए एग्जाम में स्ट्रेस सबको आता है, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो बॉटम का टॉपर हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, इंसान है, सबको स्ट्रेस आता है, हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट रख के चलना है और इस प्रिपरेशन को एंजॉय करना है, ठीक है, बीच बीच में चिल मारिए, जो अच्छा लगता है वो करिए, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस मत रखिए और ज़्यादा विचार मत कीजिए, ज़्यादा मत सोचिए,
ठीक है। देखिए हमेशा एक बात कहते हैं ना कि अगर हमारे मन की हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर हमारे मन की ना हो ना तो एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फिर वो ईश्वर के मन की होती है और ईश्वर किसी का बुरा नहीं करता है। गुड नाइट दोस्तों।